दोस्तों अगर आपको भी अपनी वीडियो को सही से SEO करना है तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वीडियो को कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे यूज़ करोगे, कैसे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जब तक आप अपनी वीडियो को सही से SEO नहीं करोगे तब तक आपकी वीडियो ना तो सर्च में जाएगी, ना तो जो है वो किसी के रिकमेंडेशन में जाएगी और ना तो ब्राउज फीचर में दिखेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप वीडियो का इस्तेमाल करके कैसे अपने वीडियो को, अपने यूट्यूब वीडियो को सही से SEO कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और लेके चलता हूं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे और सब कुछ बताने वाला हूं। जी हां, मोस्टली जितने भी यूट्यूबर हैं सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी की वजह से उनकी वीडियो जो है वो सर्च लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आसानी से आ जाती है और यहां पे आपको सच में स्कोर भी पता चल जाता है कि आपने अपनी वीडियो को कितने परसेंट जो है वो सही से SEO किया है। देखो, जब तक आप अपनी वीडियो को SEO नहीं करोगे तब तक आपकी वीडियो पे कभी भी व्यूज नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 से 60। देखो, मेरा चैनल है अभी इस टाइम पे, जो मेरा चैनल है वो हो चुका है डेड, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी गलतियां करी थी जिसकी वजह से आज मेरा चैनल डेड हो चुका है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जिससे आपका चैनल कभी भी डेड ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सही से बताने वाला हूं कि आप वीडियो का इस्तेमाल करके कैसे अपने वीडियोस पे व्यूज ला सकते हो। तो चलिए लेके चलता हूं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे वीडियो को जो है वो डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद जैसे आप इसे ओपन करोगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नहीं शो होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप पहली बार करोगे तो यहाँ पे आपको होना पड़ेगा लॉगिन। तो आप हो जाना इसमें लॉगिन, ठीक है, अपना यूट्यूब का जो आपका ईमेल है तो उसको इसमें लॉगिन कर लेना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये पूरा सेफ है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप यहाँ पे अच्छे से लॉगिन कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। सिंपल से आप अपना जीमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे, यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। चैनल सेलेक्ट करने को बोलेगा, आपको सेलेक्ट करना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, इतना आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको बोला जाएगा, इसमें कुछ चीज़ें बोली जाएंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसने पूछा था कि आप कितने सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हो इस तारीख तक, 2 मई 2024 तक। तो मैंने बोला 80,000 सब्सक्राइबर, अभी 78,000 सब्सक्राइबर हैं अपने चैनल पे, 80,000 सब्सक्राइबर मुझे कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने ये सेलेक्ट किया कि माई टास्क, ठीक है। तो इसने बोला कि आपको एक महीने के अंदर चार से पाँच वीडियोस डालनी है अपने चैनल पे, उसके बाद यहाँ पे आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बोला ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखनी है और आपको 4 वीडियो डालनी है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी पूछेगा, जो भी आपका सवाल हो यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे अब आपको इसके अंदर मिल जाता है कुछ इस तरीके का जो है वो होम, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो चलिए वो बताता हूँ। यहाँ पे आपको डेली आइडियाज मिल जाएंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो आपको इस ऐप को ओपन करना है, यहाँ पे आपको डेली आइडियाज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जो चैनल को एनालाइज कर लिया जाता है इसके थ्रू, यहाँ पे एनालाइज करके ये बताता है कि आपको इस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि मेरा चैनल जो इसने एनालाइज किया है उसके हिसाब से इसने जो है वो कुछ इस तरीके से वेरी हाई कीवर्ड दिए हैं जो मुझे, कि इस पे आप वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो जो है वो वायरल जाएंगे, ठीक है। ये अभी दे रहा है शॉर्ट्स वीडियो बनाए, शॉप पर ही कंटेंट निकालना, ठीक है, शॉप पर ही कंटेंट निकालना पड़ा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसने मुझे दिया। अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव पे क्लिक कर दो, और आप डिसमिस करना चाहते हो तो डिसमिस पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ। ये शॉर्ट्स के लिए बताता है और यहाँ पे दे भी देता है कि शॉर्ट्स पे आपको बनाना है या फिर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं ये नहीं लूँगा, मुझे ठीक नहीं लगा, तो यहाँ पे मैं डिसमिस करता हूँ। अब इसने बताया कि यूट्यूब अब किसी को नहीं छोड़ेगा, मनोज दे यूट्यूब चैनल टर्मिनेटेड। तो ये बोल रहा है कि कुछ इस तरीके से आप अगर लिख के बताओगे, लिख के अपने चैनल पे बनाओगे तो अब यहाँ पे आपका जो है वो वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है यूट्यूब अब किसी को नहीं छोड़ेगा, मनोज दे का यूट्यूब चैनल हो गया है टर्मिनेटर, इस पर इस टाइटल के हिसाब से आप जो है वो वीडियो बनाओ, आपका वीडियो जो है वो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दे रहा है मीडियम है ये सर्च जो है वो, तो यहाँ पे बता रहा है कि एक ही सेटिंग से 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट, यूट्यूब चैनल सेटिंग कैसे करें।
तो यहाँ पे ये भी आप बना सकते हो। तो जो भी आपका चैनल को वो देखेगा, ये ऐप देखेगा, एनालाइज करेगा, उसके हिसाब से आपको डेली 3 से 4 जो है वो टॉपिक देगा, उस पर अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपका चैनल जो है वो 100% ग्रोथ पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ, आगे बना लूँगा। अब यहाँ पे मैं, मुझे 3 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है कि हाँ मैंने कौन सा डिसमिस किया है, कौन सा सेव किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है। तो सेव्ड पे क्लिक करोगे तो ये 2 मैंने सेव्ड किए हैं, 2 कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे डिसमिस मैंने जो है वो ये किया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से 3-4 जो है वो मैंने जो है डिसमिस किए हैं। अब यहाँ पे आपको जिस पे भी वीडियो बनानी है, इस टाइटल पे अगर आप वीडियो बनाओ तो ये चीज़ पता चल जाती है कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको जो है वो और किस चीज़ पे मतलब पता करना है कि हमको किस, जैसे हमने बोला कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है, मैं एक वीडियो मान लेता हूँ कि मैं बनाने जा रहा हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर लेना है कि हाँ भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, इस टॉपिक पे कंपटीशन है, इस टॉपिक पे कंपटीशन नहीं है, इस टॉपिक पे सर्च कितना है, सर्च ज़्यादा है और कंपटीशन लो है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी सर्च कीवर्ड से, सेकंड वाले थर्ड वाले ऑप्शन से। तो यहाँ पे मान लो मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ये देखो मैंने सर्च किया, यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको पूरा ओवरऑल इस जो ये टैग है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाने जा रहे हो, ये अगर आप डालोगे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे आपका ओवरऑल जो स्कोर दिख रहा है इसके अंदर, ये एनालाइज करके बता रहा है कि 100 में 58% चांसेस है कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, मतलब जो सर्च करते हैं लोग, यहाँ पे 60% कर रहे हैं, ठीक है, 60% कर रहे हैं, और यहाँ पे कंपटीशन मीडियम है, तो आप इस पे वीडियो बना सकते हो क्योंकि इसका सर्च ज़्यादा है और कंपटीशन लो है, मीडियम है। अगर आपका कंपटीशन लो रहेगा और मीडियम रहेगा तो आपको इसके ऊपर वीडियो बनानी है 100%, सोच लो ये चीज़। अगर आपका जो है वो कंपटीशन जो है वो मीडियम है और वॉल्यूम हाई है तो उस पे आपको वीडियो बनानी है। अगर आपका वॉल्यूम कम है, मतलब जो लोग सर्च कम कर रहे हैं और कंपटीशन ज़्यादा है, तो उस पे आप वीडियो मत बनाओ, फिर वो किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है और आपका लोग सर्च ज़्यादा कर रहे हैं और मीडियम में है और लो में है, ये जो कंपटीशन लो में है, तो आपको इस पे तुरंत वीडियो बना, जैसे कि अब ये है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे आप इस पे वीडियो बना सकते हो। यहाँ पे 60% जो है वो लोग डेली सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कम है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी सजेस्ट नीचे की तरफ कर देगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना के कौन कौन से चैनल सबसे ज़्यादा जो है वो व्यूज़ गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टॉप चैनल सर्च टर्म में दिख जाएगा, देखो क्रिएटर सर्च 2.0, टेक्निकल भुक्खड़, और यहाँ पे अरविंद जोन, तो ये सब इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुके हैं इसी के थ्रू, तो यहाँ पे उनके वीडियो पे व्यूज़ जा रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो अगर आपको रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए तो यहाँ से वो भी मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर आप इनको अपने टैग में डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च करके कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे मैं और भी कुछ चीज़ें सर्च करके आपको दिखाता हूँ, 1-2 और व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, यहाँ पे हमने सर्च किया व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉम्पिटिशन ये खुद बता रहा है कि वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई है, 58% है, और यहाँ पे जो है कंपटीशन बिल्कुल ही लो है, बहुत ही ज़्यादा लो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये खुद बता रहा है। और यहाँ पे 100 में से 62% चांसेस हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इस एप्लीकेशन की मदद से आपको चुटकियों में पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनानी है, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, ये खुद बता देगा। तो आप इसके भी ऊपर बना सकते हो कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, इस टॉपिक के ऊपर आप कुछ भी बता सकते हो, जो भी बताना चाहते हो, जो भी आपको नॉलेज हो। और यहाँ पे इस टॉपिक पे वीडियो बना के ये सारे चैनल जो आपको नीचे दिख रहे हैं, ये सारे चैनल अच्छा खासा व्यूज़ बटोर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें पता चल गई। अब यहाँ पे आपको फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका सारा का सारा वीडियो, जो भी आपका वीडियो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपने वीडियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि आपने कितने परसेंट उसको सही से SEO किया है, कितने परसेंट नहीं किया है, क्या आपका SEO सही है या फिर नहीं सही है, तो वो यहाँ से आप पता कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मान लो मैं इस वीडियो पे अपने क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने वीडियो बनाई थी कि अपना YouTube चैनल कैसे बनाए, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि SEO कैसा है मेरा। तो यहाँ पे आपको एडिट का दिख जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ एडिट के बारे में। देखो यहाँ पे आप जो टैग मेरा देख रहे हो, ये सारा का सारा टैग दिख रहा है ना, तो ये बता रहा है कि जो जो आपने टैग डाला है वो कितने पे रैंक करेगा। मतलब कि अगर कोई आपके चैनल को कोई इस टैग को डाल के जो है वो यूट्यूब पे सर्च करता है तो आपकी वीडियोस कितने नंबर पे शो होंगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जो जो टैग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टैग आपका वीडियो कितने टाइम पे रैंक कराएगा, कितने वीडियो के नीचे आपका टैग आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। और एक चीज़ और, यहाँ से आपको सेकंड वाले मेथड पर क्लिक करना तो यहाँ पे आपको SEO पता चल जाता है कि आपका SEO कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो SEO है वो मैंने पूरा फुल कर रखा है। यहाँ पे 48, मतलब कि 50 में से मैंने 48 पॉइंट तक जो है वो यहाँ पे SEO सही किया है। 2% कम है, यहाँ पे लोग 42-42 करते हैं, 40-40 करते हैं तो भी उनका चल जाता है। यहाँ पे मैंने 2% कम करके, मतलब 2 काउंट कम करके यहाँ पे 48% तक SEO किया है। ठीक है, मैंने टैग काउंट सही से डाला है, मैंने वॉल्यूम सही से डाला है, मैंने कीवर्ड टाइटल में जो है वो सही से सब कुछ किया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी सही से किया है। ठीक है, सब कुछ मैंने सही किया है। तो यहाँ पे 50 में से मुझे 48 नंबर इस अपने दिया कि आपने SEO जो है वो फुल अच्छा किया है। अब यहाँ पे आप चेक लिस्ट कर सकते हो कि आपका इसमें से क्या क्या गलत है। तो मैंने टाइटल का लेंथ 60 रखना चाहिए, मैंने 98 रख दिया है। तो ये बोल रहा है कि 60 रखते हो, तो मैंने 98 रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हो कि 5000 का होता है, मैंने 3003 भरे हैं, ये भी सही दिखा रहा है। टैग का लेंथ जो दिखा रहा है वो भी सही दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है क्लोज कैप्शन, तो यार मैं कैप्शन का यूज़ नहीं करता तो यहाँ पे कैप्शन मैंने नहीं डाला, तो ये वो दिखा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने वीडियो को पब्लिक कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि आपने इस लिंक को शेयर कहीं किया है फेसबुक वगैरह पर, तो मैंने नहीं किया, ये वहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या आपने अपने टाइटल में टैग को यूज़ किया, तो हाँ मैंने यूज़ किया, ये दिखा रहा है, यूज़ भी करना चाहिए। आपने टैग को डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया है या नहीं किया है, तो वो भी मैंने किया है। आपने लिंक को जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला, मतलब सोशल मीडिया वगैरह का लिंक आपने डाला है, तो ये भी दिखा रहा है कि हाँ ओके है। हैशटैग डाला है, मैंने हैशटैग डाले हैं 4 से 5, तो वो भी ओके दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा ओवरऑल SEO स्कोर है वो 100 में से ऊपर 53 दिखा रहा है, यहाँ पे 48 दिखा रहा है, टैग काउंट 48 दिखा। तो मैं मतलब 100 में से SEO जो हमारा हुआ है वो 53% हुआ है, और यहाँ पे नीचे की तरफ 50 में से 48% हुआ है। तो बहुत ही ओवरऑल आपका, मतलब अगर आपका ये बता देता है कि अगर आपका 50 से ऊपर है या फिर 50 तक पहुँचने वाला है, तो समझ लो आपने SEO सही किया, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपका अचानक से व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये पता कर सकते हो। और एक चीज़ और यहाँ से आप कर सकते हो, जो कि छोटी छोटी चीज़ें ये लोग आपको नहीं बताते, यहाँ से आप अपने वीडियो में टैग भी डाल सकते हो। मतलब कि जैसे कि आपको टैग डालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कि ये सर्च करो वो सर्च करो, तो यहाँ पे आप सर्च कीवर्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, जैसे कि आपका जो वीडियो आप सेलेक्ट करोगे ना, तो ये अपने आप नीचे की तरफ ये देखो रिकमेंड कीवर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो आप टैग में से, ये प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको कोई और सर्च करना है अपने टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया था कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो यहाँ पे जैसे मैंने YouTube चैनल आपको सर्च कर लेना, जो भी आपका टॉपिक हो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना। तो यहाँ पे मैंने बनाया था वीडियो YouTube चैनल कैसे बनाएं, तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पे ये अपने आप बेस्ट कीवर्ड्स ढूंढ के दे देगा। बस आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड सेलेक्टेड कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ये बता रहा है कि मैंने फुल कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं ऐड हो रहा है, तो आप इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके ये जो प्लस दिख रहा है इस पे ऐड करके आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप ये कर लोगे तो यहाँ पे पब्लिश दिखेगा, पब्लिश पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने वीडियो के अंदर डायरेक्ट इस ऐप से जो है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से पता चल जाती हैं। ठीक है, अभी और एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना कॉम्पिटिटर ऐड कर लेना है, जो भी आपका कॉम्पिटिटर हो, जिसको भी आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे ऐड करना, मतलब जो भी आपका कैटेगरी में हो, मतलब जैसे आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो, फनी वीडियो बनाते हो या फिर टेक वीडियो बनाते हो, तो जो भी आपका कॉम्पिटिटर हो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, सिंपल से ऐड कॉम्पिटिटर पे क्लिक करोगे, उसके चैनल का नाम सर्च करोगे वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल से ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेना है, तो वो कॉम्पिटिटर कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा कि वो क्या कर रहा है, उसके वीडियोज़ पे क्या आ रहे हैं, उसकी टॉप वीडियोज़ क्या हैं। ठीक है, तो ये आप इस पे ऐड जब करोगे तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये काफ़ी बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे आप जो है वो अपने प्लान्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है वो चैनल ऐड कर लिया,
बाकी जो इसमें छोटी मोटी चीज़ें थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से आप डेली जो है वो आप अपना आइडिया ले सकते हो, टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो, ठीक है, कि कोई आपका टैग जो है वो आप जो जिस पे वीडियो बनाना चाहते हो वो कितना अच्छा है, क्या बनाना चाहिए क्या नहीं। ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे आप अपनी वीडियोस को कर सकते हो कि आपकी वीडियो कितने परसेंट SEO है, आपने सही से SEO किया है या फिर नहीं किया है, क्योंकि बिना SEO की आपकी वीडियो सर्च में नहीं जाएगी, एक चीज़ जान लो, क्योंकि आप जब तक उसको सही से ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तब तक आपकी वीडियो कभी भी आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज अच्छे से कर लेना है। बाकी मोर का दिख जाता है, तो कुछ इस तरीके से आप वीडियो की हेल्प से जो है वो अच्छी खासी वीडियो बना सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फोन से। कुछ इस तरीके से आप वीडियो की हेल्प से जो है वो अपना जो है वो वीडियो को SEO कर सकते हो और आप अपनी वीडियोस पे व्यूज ला सकते हो। देखो मेरा चैनल तो डेड हो चुका है, ठीक है, तो इसमें आप ये मत कमेंट करने लग जाना कि भाई तेरा चैनल डेड है। भाई मेरा चैनल डेड है इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कोई भी ऐसी गलती ना करो। मैं तो खुद परेशान हूँ, ठीक है, लेकिन आपको इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप मेरे अबाउट में जाके चेक कर सकते हो कि ये चैनल कितने साल पुराना है। मैंने इस पर बहुत ही गलतियाँ करी, बहुत चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जाके कुछ इस ऐप से, ऐप की मदद से आप जो है वो अपनी वीडियोज़ पर व्यूज़ ला सकते हो। मुझे इससे कुछ मदद मिल रही है, मैंने अभी जो है वो इसको सीखा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सिखा दूँ। तो जाके आप इसकी मदद से जो है वो अपने वीडियोज़ पर व्यूज़ लाओ और अच्छे से SEO करो अपनी वीडियो और मेहनत करते रहो। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू।